ये ले, 2 लाख रुपए हैं। बस इतना ही बंदोबस्त कर पाई हूं मैं। मुझे पता था आप मेरी मदद जरूर करेंगे। खूनों जैसी मेरी बच्ची थी, क्या हाल कर लिया तूने। अली जब बाहर आएगा ना तो आप देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस लड़के के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है तुमने। महलों में रहने वाली सड़कों पे आ गई और जो झोपड़ियों में रहती थी आज वो महलों में ऐश कर रही है। तभी कहते हैं बड़े जो भी फैसला करते हैं ना सोच समझ के करते हैं। मेरी बारी में तो हमेशा बड़ों ने गलत फैसला ही किया। अगर इतना ही ख्याल था तो कर दे देना अली के साथ रुख सक मुझे। मगर उस घर के मर्दों को तो सिर्फ अपनी इज्जत और वकार का ख्याल था। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अब तो ये बता करेगी क्या तू। मैं क्या करूं, मुझे तो तेरी फिक्र लगी रहती है। क्या करूं, थाने जाऊंगी और बस। आपने ये पैसे दिए इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तुम फिर क्यों आ गए? इंस्पेक्टर साहब, अभी मेरे पास सिर्फ ये 2 लाख रुपए ही हैं। सिर्फ 2 लाख? मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं आपके बाकी के पैसों का बंदोबस्त कर लूंगी। इंस्पेक्टर साहब, आप एक बार मेरी अली से मुलाकात करवा दीजिए। तुम इतना कह रही हो तो 2 लाख रख ले। तुम ये बताओ 10 लाख कब दोगी? 10 लाख? आपने तो 10 लाख का ही कहा था ना। बाकी तो 8 लाख रह गए ना इंस्पेक्टर साहब। अब 12 लाख हो गए। जितना लेट करोगी उतने पैसे बढ़ेंगे। ये क्या हाल बना दिया इन लोगों ने तुम्हारा। ये लोग मुझे मार मार के मुझसे वो गुनाह भी कबूल करवा लेंगे जो मेरे बाप ने भी नहीं किया। तो प्लीज कुछ करो, किसी भी तरह मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। मैं क्या करूँ अली, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने अम्मी से 2 लाख रुपए लिए थे और इन लोगों को दे दिए, मगर अली ये लोग 12 लाख रुपए मांग रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा अली, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं, किससे मदद मांगूं मैं। 12 लाख? तो एक ही है, तुम किसी भी तरह जाके वो मेरा दोस्त है ना जमशेद, उससे मिलो। मैं तुम्हें उसका एड्रेस देता हूँ। कुछ भी करो, उसकी मिन्नत करो, लेकिन प्लीज किसी भी तरह मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।